कीर्ति निधि पांडे जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूं। काफी दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं, पार्टी के अन्य नेता हैं, वो भी एक्टिव हो गए हैं रामचरितमानस को लेकर। मायावती ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रंप कार्ड है, चुनाव को देखते हुए सिर्फ राजनीति हो रही है वोट बैंक के लिए। और उन्होंने सीधे अखिलेश यादव से कहा है कि सूत्र कहकर जो उपेक्षित वर्ग है, संविधान है, उसका अपमान ना करें। देखिए विपिन जी, समाजवादी पार्टी का संविधान और लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और संविधान और लोकतंत्र बचाने का के लिए ही समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई की शुरुआत की। और जहां तक मायावती जी के बयान का सवाल है, ट्वीट का, मायावती जी 2022 के इलेक्शन में भी किस तरीके की चुनाव लड़ी ये भी सब जानते हैं। रातों रात उम्मीदवार बदले गए विधानसभाओं में। जब पल्लवी पटेल जी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ लड़ने गए तो वहां उम्मीदवार रात में बदल दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ उम्मीदवार रातों रात बदल गया। ये कहीं न कहीं, और राष्ट्रीय जी ने हमारे स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है, जब जिसको जहां इस्तेमाल करना हो इसे उसको इस्तेमाल करे। और तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जो सिर्फ समाजवादी पार्टी उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोले, और जो विवाद खड़ा हुआ विपिनेश जी, वो विवाद रामचरितमानस ग्रंथ पे नहीं, हम राम और कृष्ण के खिलाफ नहीं, जो दोहा है उस पर है। और पूर्वांचल के गोरखपुर जनपद में विपिनेश जी गीता प्रेस है, गीता प्रेस लगातार रामचरितमानस के संस्करण को छापता है और रामचरितमानस के संस्करण में जो पहले छपे उसमें ताड़ना शब्द का अर्थ मारना और दंड देना ही लिखा। और मैं एक दोहा और बताता हूं, अरण्य कांड के दोहा नंबर 33 पे लिखा है, सापत ताड़त पुरुष कहंता और विप्र पूजियस गवही संता, पूजे विप्र सील गुणहीना, सूद में गुणगन ज्ञान प्रवीणा। यहां भी यहां ताड़ना ताड़त शब्द जो है यहां स्पष्ट रूप से आज भी उसी संस्करण में मारना लिखा है। एक तरफ ताड़ना शब्द का अर्थ लोग शिक्षा को समझा रहे हैं कि शिक्षा देना है, और वही अरण्य कांड में आज भी गीता प्रेस के द्वारा जो संस्करण छप रहा उसमें कीर्ति निधि पांडे जी, ये आपको आज याद आया है? आज याद आया है क्या? 24 के चुनाव से पहले याद आया है? 500-700 साल हो गए हैं रामचरितमानस को लिखते हुए, लोग इसकी चौपाइयां पढ़ते हुए आए हैं और आज समाजवादी पार्टी को आज याद आ रहा है? मैं कह रहा हूँ विपिनेश जी, मैं कह रहा हूँ कि सवाल अगर खड़ा हुआ है तो इसका निराकरण तो होना चाहिए। ये सवाल खड़ा हुआ, क्या किसी धार्मिक ग्रंथ को आप उन्हीं लोगों का अपमान करने का अधिकार है क्या कि जो जिसको पढ़ते हैं, जिसका हम पूजा करते हैं, उस धार्मिक ग्रंथ में कोई ऐसा श्लोक ऐसा सब जो हमारा ही अपमान करें? नहीं, मायावती कह रही है कि अखिलेश यादव शूद्र कह के वो अपमानित कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अखिलेश यादव जी ने उस सवाल, देखिए विपिनेश जी, अखिलेश यादव जी ने उस सवाल क्यों खड़ा किया? लखनऊ के एक यज्ञ में गए थे और यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको यज्ञ में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, आपको याद दिला दूं, 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, जिस मुख्यमंत्री आवास में आदरणीय अखिलेश यादव जी रहते थे मुख्यमंत्री के तौर पे, वहां से निकलने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाया गया। जिस मुख्यमंत्री आवास में एक मंदिर भी आदरणीय राष्ट्रीय जी ने बनवाया था, वहां से खाली करने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि पिछड़ों दलितों का इतना अपमान होगा, नारी समाज का अपमान होगा। तो अगर ये सवाल खड़ा हुआ है तो इस पे विचार करना चाहिए सबको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।